हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समांतर चतुर्भुज है, हमको क्या सिद्ध करना है कि जो उसके विकर्ण, दो विकर्ण होंगे एसी एंड बीडी, विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीए स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सिद्ध करूंगा, आपको जो विधि अच्छी लगे। मुझे लगता है कि जो मैं पहला विधि बता रहा हूं वो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दूसरा वाला क्रिटिकल लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि उसको भी जानना जरूरी है। हो सकता है कौन सा लड़ाई में कौन सा हथियार काम आ जाता है पता ही नहीं चलता है, तो जितने भी संभव हथियार है अपने पास रखने चाहिए। तो मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ, पहले एक विधि द्वारा जो इसको बता दे रहा, सेकंड हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो प्रथम विधि, इसको प्रथम विधि हम कर दें, फर्स्ट मेथड। ठीक, इसमें क्या दिया है, देखिए सिर्फ समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, सिर्फ समांतर चतुर्भुज दिया है, हमने नामकरण कर दिया है। एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का हमने नामकरण कर दिया। सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है विकर्ण ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए सीडी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर। अच्छा देखिए, समांतर चतुर्भुज के भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये पता होना चाहिए। रचना मैं छोड़ रहा हूं, अभी क्या रचना करनी है अभी बता रहा हूं, रचना बल्कि चलिए कर देते हैं। हम क्या करेंगे ना, यहां से डी से ए बी पर एक लंब डालेंगे और सी से भी ए बी को आगे बढ़ाते हुए एक लंब डालेंगे। तो इसको हम लोग बना लें, फिर उसके बाद तब बता। ठीक है, ये डी से ए बी पर लंब और सी से ए बी की बढ़ी हुई भुजा पर लंब डाला, यहां पर लिखेंगे क्या डीई, डीई परपेंडिकुलर टू ए बी तथा ए बी की बढ़ी हुई भुजा पर सी एफ परपेंडिकुलर टू ए एफ, ए एफ क्या बल्कि, चलिए ठीक है, ए एफ खींचा, ज्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं है। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति हम लोग किसके 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 सहयोग से दिया है और रचना के सहयोग से हम लोग उपपत्ति। अब यहां पर देखिए हमको लाना क्या क्या है, पहले ये हमको ए सी स्क्वायर लाना है और बी डी स्क्वायर लाना है, फिर बाद में हमको जोड़ देंगे। तो पहले ए सी स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करें, त्रिभुज ए एफ सी में अगर हम देखें तो यहां पर ये 90 अंश का कोण है, यानी कि ए एफ सी समकोण त्रिभुज हो गया, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। उसी तरह से बी डी स्क्वायर को जब लाना होगा तो बी डी स्क्वायर के लिए हम लोग चुन लें डी ई बी, जिसमें ये 90 अंश है, यानी कि डी ई बी समकोण त्रिभुज हो गया,
और बी डी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज डी ई बी तथा ए एफ सी में, समकोण त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर पहले लिखे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, इसको कर दें इक्वेशन नंबर वन। अब बी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, इसको अभी समीकरण नंबर एक नहीं करें, इसको थोड़ा सा हल कर लें। देखिए सी एफ सी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं ना, ए एफ स्क्वायर जो है, ए एफ स्क्वायर को हम इस प्रकार बदलें कि हमको बी एफ स्क्वायर भी मिल जाए। बी एफ स्क्वायर मिलने का मतलब ये है कि सी एफ स्क्वायर हमारे पास है ही, सी एफ स्क्वायर हमारे पास है ही, तो सी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर जब मिल जाएगा तो हमको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, हमको भुजाओं को लेना है ना, भुजाओं का वर्ग लेना है, तो हम इसको इस तरह से बनाएं कि हमको सी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर मिले। तो बी एफ स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए एफ मेरे पास है, तो ऐसा करें ए बी प्लस बी एफ कर दे, ए बी प्लस बी एफ करने के दो फायदे हमारे हो जाएंगे, एक तो हमको ए बी भी मिल जाएगा, एक भुजा भी मिल गया, और यहां जब बी एफ करेंगे तो इसके और इसके सहयोग से बी सी भी मिल जाएगा, यानी कि हमको यहां पर दो भुजा मिल जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ए एफ बराबर ए बी प्लस बी एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, इसका तोड़ दें, ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी एफ और प्लस एफ सी स्क्वायर। चलिए अब हम ले लें बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो हमको मिल गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी एफ, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, बी डी स्क्वायर बराबर ना बी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, अब डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर न तो ये मेरे काम का है न तो ये मेरे काम का है, लेकिन डी ई स्क्वायर के साथ अगर ए ई स्क्वायर मिल जाता तो ए डी स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाता। ठीक है, एक काम मेरा वहां पर हो जाता, एक भुजा ही मिल जाता, और बी ई बी ई जो है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको ऐसा करें ए बी में से ए ई को घटा दें, पूरे ए बी में से ए ई को घटा दें, तो ऐसा करने से क्या होगा ना, हमको ए बी एक भुजा भी मिल जाएगा, और ए ई जब वर्क करेंगे ना तो इसके साथ वर्क करेंगे तो ये भुजा का वर्क भी हमको मिलेगा। तो करना क्या है, हमको डी ई स्क्वायर को टच नहीं करना है, इसको रहने देते हैं, प्लस बी ई मीन्स ए बी माइनस ए ई का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू ए ई। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर की जगह हम ए डी स्क्वायर लिख दें, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इसके जगह ए डी स्क्वायर रखते हैं,
और एक ये देखिए, ए बी स्क्वायर एक बार आ चुका है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको मिल चुका है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको मिल चुका है, इस बार भी ए बी मिल गया हमको, और यहां पर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर टू ए बी इंटू ए ई, अब अगर कहीं हम विकर्णों को जोड़ते हैं, क्योंकि विकर्णों के वर्गों का योग है तो जोड़ना पड़ेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर दो बार आ जाएगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं ना, इस ए बी को देखिए, ए बी स्क्वायर एक भुजा मिला, दूसरा भुजा मिला, तीसरा भुजा मिला, चौथा सी डी नहीं मिला है, तो देखिए सी डी की लंबाई ए बी के बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू ए ई, ये समीकरण नंबर दो। अब अगर हम इसको और इसको देखते हैं, तो अगर हम इसको इसको जोड़ देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, चारों भुजाओं का वर्गों का योग मिल जाएगा, लेकिन ये बीच में करोड़ा है, इसी को जब जोड़े तो ये प्लस ये माइनस, ये तो अगर जोड़े तो ये कट जाए किसी तरह से, टू ए बी है, टू ए बी है, बी एफ और यहाँ पे ए एफ हो गया, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि बी एफ और ए एफ है, तो अगर किसी तरह से बी एफ और ए एफ बराबर हो जाता तो हम किसी एक जगह, इसी जगह हम बी एफ लिख देते, तो टू ए बी इंटू बी एफ जब जोड़ते ना तो इससे ये कट जाता, जब ये कट जाता तो हमारा जो एम है वो हमको मिल जाता। अब उसको बराबर दिखाने के लिए हमको एक काम करना होगा, ये बराबर कैसे दिखाएंगे, जब हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी एफ बी को सर्वांगसम दिखा दें, और जब सर्वांगसम दिखा देंगे तो बाय सी पी सी टी करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल के तहत हम उसको दिखा सकते हैं कि ए ई बराबर बी एफ। तो चलिए मैं दिखाने जा रहा हूं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज एफ सी बी में, आप ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज एफ सी बी में, देखिए ये 90 अंश है, यहां लिखेंगे कोण ए ई डी बराबर कोण बी एफ सी बराबर 90 अंश, ये रचना से, ये रचना से है, एक काम हो गया, एक हो गया, और ये भुजा इसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के सामने भुजा है ए बी बराबर, सॉरी ए डी, ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये हो गया, एक दो, और ये डी ई बराबर सी एफ होगा, कैसे होगा, डी ई सॉरी डी ई बराबर बराबर सी एफ होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, ए बी समांतर सी डी, और ये इसके समांतर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, बराबर होती है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी ई बराबर सी एफ में क्या लिखेंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के
बीच की दूरी, ये हो गया। अब तीन चीज हमको मिल गया यहाँ पर, दो भुजा बराबर एक कोण बराबर, तो सर्वांशम होंगे बाई एस ए एस, क्या हो गया, दिस रिप्लेस त्रिभुज ए डी ई कंग्रुएंस टू ट्रायंगल एफ सी डी बाई एस ए एस। जब ये मान रख देंगे ये बराबर हो गया, जब ये मान यहाँ पे रख देंगे तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको मिल जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू बी एफ। इसको कर दें समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन कर देते हैं। अब ये तीन और एक को जोड़ दें, तीन और एक को, तो एक और तीन से जोड़ने पर एक और तीन वन प्लस थ्री से ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इधर का ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इस साइड का क्या होगा देखिए, इसका मान जो है ए सी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी एफ प्लस टू ए बी इंटू बी एफ प्लस प्लस क्या बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर का मान ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू बी एफ माइनस टू ए बी इंटू बी एफ। ये तो कट जाएंगे इससे, क्या बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, के विकर्ण एसी और बीडी है, एसी और बीडी है, तो सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग, विकर्णों के वर्गों का योग और भुजाओं के वर्गों का योग, ये दिया हुआ है। अब इसमें एक छोटी सी रचना करने जा रहे हैं कि डी से ए सी पर लंब खींचा, डी और बी से ए सी पर लंब खींचा, या ऐसा करें डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी और बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा, है ना, क्या क्या खींचेंगे, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी तथा बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा। ये जो लिखे हैं कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, डी एम इस पर लंबवत खींचा, इस पर लंबवत, ये चीज रचना कर रहा है ना तो डॉटेड रहेगा, ये 90 अंश, और इस पर भी ऐसे कर देते हैं, ये M और ये N, और उपपत्ति में हमको ये लाना है, और किसके किसके सहयोग से, इसके और इसके सहयोग से, ठीक है। पहले हम एक काम करने जा रहे हैं कि त्रिभुज DOM और BON में एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। देखिए ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, जब ये कोण बराबर है और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये कोण बराबर हो गया,
और ये जब दोनों बराबर हैं तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज BOM और त्रिभुज BON सर्वांग सम त्रिभुज हो गया, और ऐसा सिद्ध करने का हमारा तात्पर्य ये है कि हम DM बराबर BN और OM बराबर ON दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीच में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबा सवाल है। त्रिभुज DOM तथा त्रिभुज BON में कोण DOM बराबर कोण BON क्या शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया कोण DMO बराबर कोण BNO बराबर 90 अंश परपेंडिकुलर है। तो अब ये हो जाएगा कोण MDO बराबर कोण NBO। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। जब ये हो गया तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DOM सर्वांग सम त्रिभुज BON कैसे बाय AAA एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा। तो जब ये हो गया तो दिस इंप्लाइज बाय सिंपलिसिटी हम लेंगे DM बराबर BN, DM बराबर BN तथा OM बराबर ON, ये समीकरण नंबर एक से एक कर दिए इसको। अब हमारा काम शुरू होता है यहां पर। देखिए AB स्क्वायर हमको कहां से मिलेगा, अगर कहीं समकोण त्रिभुज ए एन बी ले ले तो हमको ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। बी सी स्क्वायर कहां से मिलेगा, समकोण त्रिभुज सी एन बी ले ले तो हमको मिलेगा। डी सी स्क्वायर कहां मिलेगा, डी एम सी समकोण त्रिभुज से, और ए डी स्क्वायर डी एम ए समकोण त्रिभुज के लेने से मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर जो होगा तो लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा, विस्तार से लिख दीजिएगा। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर बराबर डी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब देखिए इसमें इधर को इधर तो कुछ टच नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा इधर से लिखूंगा ए एन स्क्वायर और कहीं है बी एन स्क्वायर नहीं है, बी एन या एम बी ये है, ये है और डी एम दोबारा है बस, तो जो दो बार है उसको मैं लिख दूं पहले बी एन स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ये टू टू टाइम्स होगा ना, दो दो बार हैं
दो दो बार है ना, डी एन बी एन दो बार, डी एम दो बार, अब प्लस ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर। ये हो गया दो चार छ आठ, दो चार छ आठ, ठीक। अब देखिए हम यहां से हम लेना चाहेंगे, यहां से क्या क्या हमारी जरूरत की चीज है, क्या क्या हमको लाना है। तो डी एम, डी एम और प्लस बी एन स्क्वायर, ये तो दोनों अलग अलग चीज है। ए एन, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस एन ओ, टू बी एन स्क्वायर प्लस टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एन। ए एन का मतलब हो गया, ए एन का मतलब हो गया ए ओ प्लस एन ओ, ए ओ प्लस एन ओ का होल स्क्वायर प्लस सी एन, सी एन, सी एन का मतलब हो जाएगा ओ सी माइनस ओ एन, ओ सी माइनस ओ एन। हम सबको इस तरह से बदलना चाह रहे हैं, ए ओ प्लस एन ओ, ए ओ बदल देंगे तो ए सी बटा दो हो जाएगा, एन ओ जो रहने दीजिए, ओ सी कर देंगे तो ए सी बटा दो हो जाएगा, ओ एन कोई बात नहीं। तो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये इसके जगह ये हो गया, सी एन की जगह ये हो गया, एम सी यानी कि सी एम, सी एम क्या होगा, सी ओ प्लस एम ओ, सी ओ प्लस एम ओ का होल स्क्वायर प्लस बस ना इतने, दो चार ए एन स्क्वायर, ए एन का हो गया ये, सी एन का हो गया ये, एम सी सी एम का ये हो गया। अभी ए एम बचा है, ए एम का क्या हुआ, ए ओ माइनस एम ओ, ए ओ माइनस एम ओ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन परेशान मत होइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो गया टू बी एन स्क्वायर प्लस टू डी एम स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देते हैं, ए ओ स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर प्लस टू ए ओ एन ओ इंटू लगेगा प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर माइनस टू ओ सी इंटू ओ एन। यहाँ पर सी ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर माइनस प्लस टू सी ओ इंटू एम ओ प्लस, इसको ले लें ए ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर माइनस टू ए ओ एम ओ। अब देखिए ए ओ यहां पर है, ए ओ यहां पर है, ओ सी, हम ए ओ ओ सी को एक साथ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टू बी एन स्क्वायर प्लस टू डी एम स्क्वायर प्लस टू ए ओ स्क्वायर, ये हो गया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, फिर ओ सी, ओ सी और ओ सी प्लस टू ओ सी स्क्वायर, ये 20 लग रहा है, टू सी ओ स्क्वायर इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। और अब बचा क्या, एन ओ स्क्वायर, एन ओ स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा टू एन ओ स्क्वायर
ये हो गया, ये हो गया एम ओ एम ओ, प्लस टू एम ओ स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कौन कौन सा, ये अब कौन कौन सा बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये और ये। देखिए ए ओ एन ओ, ए ओ एन ओ और इधर क्या है ए ओ एम ओ, एन ओ ओ एन बराबर ओ एम है ना, तो हम यहां पे ऐसे लिखने जा रहे हैं प्लस टू ए ओ एन ओ की जगह ओ एम में एम ओ रख देना इंटू एम ओ, ठीक है ये हो गया। अब इसकी जगह माइनस टू ओ सी और ओ एन की जगह रख देंगे ओ एम, और प्लस यहां पर 20 लग रहा है, प्लस टू सी ओ इंटू एम ओ और माइनस टू ए ओ इंटू एम ओ। तो देखिए क्या क्या है, ये ए ओ एम ओ इससे कट गया, सी ओ एम ओ इससे कट गया, ठीक है। अब हम इसमें एडजस्ट करें बी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, इसको इसको एक साथ रख लें, टू बी एन स्क्वायर प्लस टू एन ओ स्क्वायर, इसको और इसको रख दिया। फिर उसके बाद टू डी एम है, डी एम स्क्वायर के साथ एम ओ स्क्वायर रख देंगे, प्लस टू डी एम स्क्वायर प्लस टू एम ओ, ये हो गया ये और ये हो गया, इधर तो कट ही गया है, बचेगा क्या टू ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ए ओ और सी ओ, ए ओ का मतलब हो गया ए सी बटा दो और सी ओ का मतलब हो गया ए सी बटा दो, यहां पर रख देंगे प्लस टू ए ओ स्क्वायर का मतलब कि हो जाएगा ए सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी ओ टू इंटू ए सी बाई टू का होल स्क्वायर। एक लाइन और लिखें, टू का मान लेने यहां हो जाएगा बी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर प्लस टू कॉमन डी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर प्लस टू इंटू ए सी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू इंटू ए सी स्क्वायर बाई फोर, ये आधा ये दो हो गया। अब बी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर डी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, यानी ये भी ओ डी स्क्वायर है और ये भी ओ डी स्क्वायर है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा 2 OD स्क्वायर प्लस 2 OD स्क्वायर, 2 DO स्क्वायर कर रहे हैं प्लस 2 DO स्क्वायर, इसके जगह और यहां बचा AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2। अब DO ये 4 ओडी डी ओ स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 डी ओ स्क्वायर प्लस, देखिए हाफ हाफ है जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर मिलेगा, ए सी स्क्वायर का आधा, ए सी स्क्वायर का आधा जोड़ेंगे तो एक ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी ओ स्क्वायर, डी ओ स्क्वायर का मतलब हो गया बी डी बाई टू, डी ओ का मतलब क्या होगा बी डी बाई टू, 4 इंटू बी डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 4 इंटू
बी डी स्क्वायर बाई फोर प्लस ए सी स्क्वायर, फोर फोर कट गया तो हमको मिल गया क्या, अब मिल गया हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा लंबा है, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सब नियमानुसार जो है और अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे है उसमें उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। सामने है, आ गया है, तो उसी तरह से आ जाएगा। ठीक।